कुछ ही देर में बाइडेन जिनपिंग आमने सामने बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनपिंग और बाइडेन की दो टूक वार्ता होगी। घरेलू मामले में अमेरिका दखल का मुद्दा उठाएंगे जिनपिंग। इसका बॉल अपने आप एलएसी ताइवान में चीन की साजिश होगी यूएस की प्राथमिकता। मैं सीधे चलूंगा, सबसे पहले क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर अब जल चतुर्वेदी से। सर, बाइडेन एंड शी वर्चुअल समिट, बातचीत हो रही है, फोकस एरिया क्या है? देयर आर सो मेनी ऑफ देम। क्लाइमेट चेंज पर वो आए नहीं, वो भड़क गए। उसके बाद आप अफगानिस्तान में चाइना सब जानते हैं क्या कर रहा है। कोरोना के ऊपर उन्होंने कहा हमें सोर्स कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा। एलएसी को लेकर चर्चा मीडिया में उनकी जो है प्रेस सचिव, उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी एलएसी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान एक अनदर कॉज है। फोकस के तीन एजेंडा क्या होंगे सर? मेरे हिसाब से पहला जो है वो तो जो आपने सबसे पहले जो अभी अशोक सजनहार साहब ने भी बहुत सही सही बोला कि ताइवान एक बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फोकस एरिया जी ने रखे हैं अपने लिए वो दो, कि हांगकांग को मजबूती से इंटीग्रेट किया जाए और ताइवान को जो है वो रीयूनिफिकेशन के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन उसमें ताइवान का जो इशू, जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपनी जो सबमरीन्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं, तो वो एक मैसेज जाएगा एक नंबर एक। एलएसी पे जो उन्होंने उनकी कार्रवाई चल रही है, जैसे कि उनके हाईवे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक इसको एक तरह से सबोटाज करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर बात होगी। क्लाइमेट चेंज एक इशू हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज एक, क्योंकि उनको भी मालूम है कि चाइना जल्दी सुनने वाला नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जो है एक इशू मेरे ख्याल में दैट विल बी द थर्ड मेजर इशू बिटवीन टू ऑफ देम। अफगानिस्तान इशू है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस वक्त नहीं है उनके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, एलएसी एंड ताइवान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।